हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं डिक्शनरी की। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेटा टाइप है पाइथन का। इसमें जो वैल्यूज होती हैं वो की वैल्यू के पेयर में स्टोर होती हैं डिक्शनरी के अंदर। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि डिक्शनरी, अगर आपको याद हो बचपन में हम इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी या हिंदी टू इंग्लिश डिक्शनरी देखते थे, तो उसमें क्या होता था, हम एक नाम सर्च करते थे, ठीक है, वो नाम सर्च करके हम देखते थे हमारी डिक्शनरी के अंदर है क्या। अगर वो नाम सर्च हो जाता था तो उसके उसका मतलब हमें पता चल जाता था, और उसका मतलब उस नेम के आगे लिखा होता था। लेट सपोज मुझे गुड नाम का, मेरे को पता करना था कि गुड का मतलब क्या है, तो हम गुड ढूंढते थे डिक्शनरी में, ठीक है। तो जो गुड है वो हमारे यहाँ पे एक की का काम करेगा, और जो उसकी उसकी मीनिंग होगी, जो गुड का मीनिंग होगा उसमें डिक्शनरी के अंदर, वो हमारी वैल्यू होगी। तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं अपनी फाइल बनाता हूँ, उसका नाम दे देता हूँ मैं, डिक्शनरी इन पाइथन, ठीक है। तो सबसे मेन पार्ट क्या है इसमें कि हमें डिफाइन कैसे करना है। तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ ए, ठीक है। इसको डिफाइन करने के लिए हमें कर्ली ब्रेसेस का यूज करना हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए, कर्ली ब्रेसेस का यूज हम सेट्स में भी करते थे। तो मेन चीज अब यहाँ पे ये होगी, वहां पे हम डायरेक्ट एलिमेंट स्टोर कर रहे थे, बट यहाँ पे हम की वैल्यू पेयर के रूप में स्टोर करेंगे। तो मैं एक बार एग्जाम्पल से समझाता हूँ। लेट सपोज मैंने पहली की रखी वन, ठीक है। उसके बाद हमने रखना है यहाँ पे उसकी वैल्यू, इसको मैं कुछ भी वैल्यू दे देता हूँ, मैं वन के अंदर सचिन स्टोर कर देता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि लेट सपोज मेरे पास कोई एक बैग है, ठीक है। बैग में मैंने कोई भी एलिमेंट रखा है सचिन, और सचिन के ऊपर एक स्टिकर लगा दिया वन नंबर का, ठीक है। इससे मुझे ये पता चल जाएगा जब भी मैं वन को एक्सेस करूंगा तो मुझे वो सचिन की वैल्यू मिलेगी उसमें, ठीक है। तो एक और वैल्यू लेते हैं, लेट सपोज मैं इस बार ले लेता हूँ ए, ठीक है। ये मेरी की होगी इस बार, और इस बार मैं वैल्यू दे देता हूँ इसको फर्स्ट लेटर, ठीक है। ये मेरा दूसरा एलिमेंट हो गया, ठीक है। तीसरा एलिमेंट ले लेते हैं हम, लेते हैं बी, ओके। मैंने बी रखा और फिर यहाँ पे इसको बोल दिया बॉल, ठीक है। ये हमारे तीन एलिमेंट हो गए, मतलब हमारी तीन की और तीन वैल्यू। तो हमारी की यहाँ पे कौन कौन सी हुई, एक ही ये हुई हमारी की, ठीक है, दूसरी की ये हुई, और तीसरी की ये हुई, ठीक है। इस तरीके से हम एक डिक्शनरी में एलिमेंट्स लिख सकते हैं, ठीक है। एक बार मैं आपको एक इसका सिंटेक्स और समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं यहाँ लिखता हूँ अगर कर्ली ब्रेसेस, फिर मुझे लिखनी है यहाँ की, फिर मुझे यहाँ लिखनी है वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से हम मल्टीपल लिख सकते हैं वैल्यूज, की वन वैल्यू वन, ठीक है। इस तरीके से हम एक डिक्शनरी को डिफाइन कर सकते हैं। ऑलराइट, अब अगर हमें इसका डेटा टाइप पता करना हो तो डेटा टाइप क्या होगा इसका, तो हम सिंपली क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे टाइप ऑफ ए, ठीक है। कंट्रोल एस करते हैं, रन करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने डिक्ट टाइप का कीवर्ड हमें दिखाया है यहाँ पे। तो ये मेरा डिक्ट टाइप बन चुकी है, मतलब मेरी एक डिक्शनरी डिफाइन हो चुकी है, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे इसके एलिमेंट एक्सेस करने हो, ठीक है, तो लिस्ट और बाकी डेटा टाइप्स में हम देख रहे थे, स्ट्रिंग में टपल्स में हम उसके इंडेक्स से उसकी वैल्यू को एक्सेस कर पा रहे थे। हम यहाँ पे इंडेक्स के थ्रू तो नहीं, हम यहाँ पे की के थ्रू इसकी वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर मुझे मान लो सचिन चाहिए, तो मैं यहाँ लिखूंगा, प्रिंट कराते हैं इसको, ए लिखेंगे, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाए, ए मेरा नेम है डिक्शनरी का इसलिए मैंने ए लिखा, उसमें से मुझे वन चाहिए, ठीक है। मतलब वन मेरी यहाँ पे ये की है, ये मेरी की वैल्यू है। तो ये मेरा पूरा एक एलिमेंट है, इस कॉमा से पहले पूरा एक एलिमेंट है जिसमें मैंने की वन बोला कि भाई वन के अंदर क्या वैल्यू है। तो मैं अगर यहाँ इसको रन करूँ तो आप देखिएगा आपको यहाँ पे सचिन रिटर्न करके इसने दे दिया है। तो हम इस तरीके से एक डिक्शनरी की वैल्यूज को रिटर्न कर सकते हैं यूजिंग इट्स कीज, ठीक है। बाकी वैल्यूज भी एक बार फेच करके देखते हैं अपन। मैं ए ऑफ इस बार ए करता हूँ क्योंकि ये मेरा सेकंड की है, कंट्रोल एस किया, रन किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट लेटर अपन को
मिल चुका है, क्योंकि ए के अंदर वैल्यू थी फर्स्ट लेटर। और लाइक इसी तरीके से मैं प्रिंट बी करूं अगर, ठीक है, कंट्रोल एस किया, रन किया, तो देखिए ये बॉल आ चुका है। ठीक है, इस तरीके से हम की के वैल्यूज को निकाल सकते हैं, की के अंदर जो भी वैल्यूज है वो निकाल सकते हैं एक डिक्शनरी में। ठीक है, अगर हमें लेंथ पता करनी हो अपनी डिक्शनरी की तो कैसे पता करेंगे, मैं लिखूंगा प्रिंट वही जो अपना लेन फंक्शन है ए, ठीक है, लेन ऑफ ए करेंगे। ठीक है, कंट्रोल एस किया, रन किया, तो आप देख सकते हैं इसने 3 रिटर्न किया, क्योंकि इसके अंदर 3 ही एलिमेंट है। पहला एलिमेंट ये है एक, दूसरा एलिमेंट ये रहा, तीसरा एलिमेंट ये रहा, तो 3 एलिमेंट है। और एक एलिमेंट कैसे स्टोर होगा, की और वैल्यू के रूप में। तो ये मेरी की होगी, ये मेरी वैल्यू होगी, सेपरेटेड बाय दिस कॉलन। ठीक है, लेट सपोज मेरे को पता करना हो कभी कि इसके अंदर कितनी कीज हैं और कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो कितनी तो हमने लेंथ से पता चल गया, कितने जितने एलिमेंट होंगे उतनी ही कीज होंगी। ठीक है, अब अगर मुझे केवल कीज प्रिंट करनी हो तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं लिखूंगा ए डॉट कीज। ये मेरा कीज एक फंक्शन है जो हम लगा सकते हैं इस पे, और इसको हम कर लेंगे फिर प्रिंट। कंट्रोल एस किया, रन किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने सारी कीज रिटर्न की हैं, 1, A, B। आप देख सकते हैं 1 मेरी की थी पहले एलिमेंट की, दूसरे एलिमेंट की मेरी ए है, तीसरे एलिमेंट की बी है, तो ये सारी कीज यहाँ पे आ चुकी हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमें वैल्यूज देखनी हो तो हम वैल्यूज कैसे देख सकते हैं, प्रिंट कराएंगे ए डॉट वैल्यूज। तो इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज होंगी, जो भी वैल्यूज होंगी, वो सारी वैल्यूज हमें ये यहाँ पे प्रिंट कर देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने इस बार प्रिंट किया है सचिन फर्स्ट लेटर और बॉल, तो मेरी वो वैल्यूज थी, सचिन फर्स्ट लेटर ये दूसरा एलिमेंट, तीसरे में बॉल थी, तो ये इसने सारी वैल्यूज रिटर्न कर दी हैं। ठीक है, एक तरीका तो हमने यहाँ पे ये देखा था वैल्यूज को एक्सेस करने का, A1 मतलब की के थ्रू हम कर सकते थे। एक अपने पास फंक्शन होता है गेट फंक्शन, ठीक है, तो गेट फंक्शन कैसे अप्लाई करना है, वो भी सेम काम करता है इसमें। अगर मैं लिखूं ए डॉट गेट, गेट के अंदर हमें देनी है की, जो भी हमें एलिमेंट चाहिए। लेट सपोज मेरे को अगर 1 देना है, अब मैं इसको प्रिंट करा लेता हूं। ठीक है, कंट्रोल एस, ऊपर का सारा कोड एक बार कमेंट कर देते हैं। अब मैं अगर इसको रन करता हूं, कंट्रोल एस किया, रन किया, तो आप देख सकते हैं इसने मुझे सचिन रिटर्न करके दे दिया है। तो हम गेट फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, और भी वैल्यूज अपन देखते हैं एक बार, फैच करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमें की देनी है, गेट के अंदर हम देंगे की, यहाँ मैं दे देता हूँ ए, कंट्रोल एस, रन करते हैं, तो ये मुझे देगा फर्स्ट लेटर, क्योंकि इसके ए के अंदर फर्स्ट लेटर है। देन हम देखेंगे कंट्रोल बी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बी, ये मुझे देगा बॉल। ठीक है, तो गेट फंक्शन का यूज करके भी हम वैल्यूज निकाल सकते हैं एक डिक्शनरी की। ठीक है, अब लेट सपोज हमें कोई भी वैल्यू चेंज करनी है जो भी किसी की के अंदर है। लेट सपोज मुझे सचिन की जगह यहाँ पाइथन लिखना है, ठीक है, तो मैं इस वैल्यू को अपडेट भी कर सकता हूँ। तो अपडेट कैसे कर सकते हैं देखते हैं। मैं क्या करूँगा, यहाँ लिखूंगा डिक्शनरी का नेम और उसकी की। ठीक है, तो डिक्शनरी का नेम था मेरा ए और उसके अंदर की है 1। अब मुझे अगर इसकी वैल्यू अपडेट करनी है टू पाइथन, तो मैं यहाँ सिंपली पाइथन लिख दूंगा। ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं, ऊपर वाला कोड एक बार के लिए कमेंट कर देते हैं। ठीक है, अब मैं करता हूँ प्रिंट ए, तो ये मेरी पूरी डिक्शनरी प्रिंट कर देगा। कंट्रोल एस किया, रन किया, तो अब क्या होना चाहिए, हमारी एक्सपेक्टेशन है 1 की जगह पाइथन आ जाना चाहिए, यहाँ पे 1 की के अंदर पाइथन आ जाना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, रन करता हूँ इसको, तो आप देख सकते हैं ये पाइथन आ चुका है यहाँ पे। पहले यहाँ पे सचिन मैंने डिफाइन किया था, फिर मैंने उसको अपडेट किया है पाइथन से। तो इसको अपडेट करने के लिए एक फंक्शन भी है अपने पास, अपडेट फंक्शन, हम अपडेट फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। तो उसमें अपन कैसे करेंगे, हम लिखेंगे ए डॉट अपडेट, ठीक है, और इसके अंदर हम देंगे डिक्शनरी, डिक्शनरी में की और वैल्यू देनी होगी। तो मेरी की थी 1,
ठीक है। अब मैं अगर इसकी वैल्यू देना चाहता हूँ, लेट सपोज मैं दे देता हूँ लर्निंग, ठीक है, कंट्रोल एस किया। अब नीचे मैं एक बार प्रिंट ए करके देखता हूँ कि ये मेरा अपडेट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो आप देख सकते हैं पहले यहाँ पे ये पाइथन प्रिंट किया, ठीक है, फिर मैंने अपडेट फंक्शन का भी यूज़ किया, अपडेट फंक्शन से भी मैं कोई भी वैल्यू को अपडेट कर सकता हूँ। तो इस तरीके से हम किसी भी वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। अगर आप अब चाहते हैं कि मैं कर दूँ ए की वैल्यू को चेंज कर दूँ, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ए डॉट अपडेट, ठीक है, उसके अंदर डिक्शनरी लिखा, इसका की लिखा ए, ए के अंदर मैं लिख देता हूँ इस बार अम्ब्रेला, ठीक है। अब रन करते हैं इसको, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अम्ब्रेला आ चुका है, पहले यहाँ पे फर्स्ट लेटर था। तो कोई भी वैल्यू को अपडेट हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको जो मेथड अच्छा लग रहा हो आप उसको यूज करें, ठीक है। मुझे ये सिंपल मेथड लगता है तो मैं डायरेक्टली इस मेथड से वैल्यू चेंज कर देता हूँ। अगर आपको ये सिंपल लग रहा है तो आप इससे कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलराइट, फिर हम देखते हैं, अभी तक हमने देखा कि जो एग्जिस्टिंग एलिमेंट थे हमने उनको चेंज किया। अगर मुझे अब इसमें कुछ आइटम ऐड करने हैं तो वो मैं कैसे करूं? तो उसको ऐड करने का भी सिंपल सेम ही तरीका है। तो अभी तक अपने पास जो लेटेस्ट डिक्शनरी है वो ये है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं इसमें कुछ और वैल्यूज भी ऐड हो जाएं, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं लिख सकता हूं ए के अंदर, अब नई की रखेंगे क्योंकि नई वैल्यू देनी है, हमें नया एलिमेंट बनाना है तो यहाँ पर नई की देनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार, मैं लिखता हूँ एस, ठीक है, ये मेरा एस है और इसके अंदर मेरी कोई वैल्यू चली जाए, लेट सपोज यहाँ चला जाए लिख देते हैं डॉग, ठीक है। मतलब अब मेरी डिक्शनरी के अंदर एक नया कीवर्ड आएगा, ठीक है, नई की आएगी जिसकी वैल्यू होगी एस, ठीक है, मतलब की मेरी होगी एस और उसकी वैल्यू होगी डॉग, ठीक है। मैं अगर यहाँ प्रिंट कराऊँ, प्रिंट ए, कंट्रोल एस किया, रन किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये नई एलिमेंट ऐड हो चुकी है, ठीक है, जिसकी की है एस और जिसकी वैल्यू है डॉग, ठीक है। तो इस तरीके से हम न्यू एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। आप इसमें सेम अपडेट फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, तो मैं इसमें आपको दिखाता हूँ ए डॉट अपडेट, ठीक है, इसके अंदर मैंने अपना डिक्शनरी लिखा और इसमें मैं नई की ले लेता हूँ, लेट सपोज मैंने इस बार की ली 3, ठीक है, और उसकी कॉलन, फिर मैं इसको लिख देता हूँ 3, ठीक है, ये मेरी वैल्यू अपडेट हो जानी चाहिए मेरे प्रिंट ए में, ठीक है। मैं प्रिंट ए करता हूँ, मेरी डिक्शनरी में अपडेट होगी ये वैल्यू, राइट क्लिक करके रन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 आ चुका है। तो इस तरीके से हम वैल्यूज को अपडेट फंक्शन से ऐड भी कर सकते हैं। तो आपको जो मेथड यहाँ पे अच्छा लग रहा है आप बाकी एलिमेंट को यहाँ पे इस तरीके से ऐड कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं डायरेक्टली असाइन करके और अपडेट फंक्शन का यूज करके भी कर सकते हैं, ठीक है। ये तो बात हुई ऐड करने की। अगर अब मुझे एलिमेंट रिमूव करने हो, ठीक है, तो एक बार ऊपर का कोड करते हैं कमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा कीवर्ड आता है पॉप। पॉप क्या करता है, एक जो हम की नेम देंगे उस की नेम की वैल्यू को और खुद को वहां से रिमूव कर देगा, उस एलिमेंट को ही रिमूव कर देगा। तो अभी तक एक बार प्रिंट करके देखते हैं अपने पास लेटेस्ट डिक्शनरी कौन सी है। तो लेटेस्ट डिक्शनरी अपने पास अभी ये है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं इसमें से मैं इस एलिमेंट को रिमूव कर दूं, फर्स्ट लेटर वाले एलिमेंट को, ये जो पूरा एलिमेंट है इसको रिमूव कर दूं, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, ए डॉट पॉप, ठीक है, और इसके अंदर मैं दूंगा की, की मेरी क्या है ए, राइट, कंट्रोल एस किया, रन, एक बार प्रिंट करके भी देखेंगे, फिर कंट्रोल एस करते हैं, रन करते हैं, तो आप देख सकते हैं अब डिक्शनरी में से ये जो ए नाम का एलिमेंट था कंप्लीट, ए नाम की की और वैल्यू उसकी फर्स्ट लेटर, वो रिमूव हो चुकी है अपनी लेटेस्ट डिक्शनरी में से, ठीक है। तो हम रिमूवल इस तरीके से देख सकते हैं। एक और तरीका है रिमूवल का, मैं एक बार इसको कमेंट कर देता हूं, पॉप आइटम करके भी एक कीवर्ड है, फंक्शन है अपने पास,
पॉप आइटम क्या करता है, जो लेटेस्ट एलिमेंट अपनी डिक्शनरी में होगा, जो इंसर्ट करवाया गया है, जो लास्ट एलिमेंट इंसर्ट हुआ है, उसको रिमूव करता है। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ देखूँ सिंपली, अभी अगर रन करके देखें अपनी डिक्शनरी, तो लेटेस्ट अपनी ये आ रही है। ठीक है, अब मैं इसमें लिखता हूँ ए डॉट पॉप आइटम, ठीक है, ब्रैकेट लगा देता हूँ, रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं जो लेटेस्ट लास्ट एलिमेंट था, बी इक्वल्स टू बॉल, बी कॉलन बॉल, वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। ठीक है, तो पॉप आइटम इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, मतलब अगर हमें लेटेस्ट एलिमेंट या लास्ट एलिमेंट अपनी डिक्शनरी से निकालना है तो हम पॉप आइटम का यूज कर सकते हैं विदाउट गिविंग अ की टू दिस पॉप आइटम फंक्शन। ठीक है, ओके, तो एक और तरीका अपन देखते हैं, हम डिलीट कीवर्ड वाला भी यूज कर सकते हैं, मतलब डेल डेल यूज करके भी हम की एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं। लेट सपोज मेरे को यहाँ से निकालना था 1, ठीक है, और अब इसके बाद मैं प्रिंट कराता हूँ ए, कंट्रोल एस किया, रन किया, तो आप देख सकते हैं पहले सचिन अवेलेबल था अपनी डिक्शनरी में, अब सचिन अवेलेबल नहीं है, तो हम बाई की इस तरीके से भी एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ये तो था हमारा डिलीट कीवर्ड। अगर आपको पूरी डिक्शनरी ही डिलीट करनी है, ठीक है, तो डायरेक्टली हम डिलीट कीवर्ड का यूज करेंगे, डेल लिखा, डेल के बाद मैं सीधा ए लिख दूंगा, मतलब डिलीट ए, ए के अंदर जो भी है उसको डिलीट कर दो, पूरा ए डिलीट कर दो, सॉरी, तो यहाँ पे पूरा पूरा डिक्शनरी डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल एस किया, रन किया, तो आप देख सकते हैं इसने बोला नेम ए इज नॉट डिफाइंड। मैं ऊपर वाला एक बार कमेंट कर देता हूँ, इस वजह से ये प्रिंट कर रहा है नीचे। कंट्रोल एस, रन करते हैं एक बार, तो आप देख सकते हैं नेम ए इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि ए नाम का आपको सही नहीं, क्योंकि यहाँ डिलीट कर चुके हैं हम इसको पहले ही, इसलिए इसने ये बोला कि भाई ए डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है, ये तो बात हुई डिलीट की। अब मान लो मुझे केवल क्लियर करना होता, ठीक है, मतलब जो भी मेरी डिक्शनरी बनी है उसके सारे एलिमेंट हटा दो, ठीक है, उसको ब्लैंक कर दो, तो ब्लैंक करने के लिए हम क्लियर फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ उसको किस तरीके से लिख सकता हूँ, ए डॉट क्लियर, कंट्रोल एस किया, रन किया, तो आप देख सकते हैं अपनी डिक्शनरी जो है क्लियर हो चुकी है, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, ये हमारी एम्प्टी डिक्शनरी का सिंबल है। ठीक है, इस तरीके से हम एलिमेंट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा क्लियर। अब इसके बाद एक और चीज देखते हैं इसमें, अगर हमें एम्प्टी डिक्शनरी बनानी हो तो हम किस तरीके से बना सकते हैं, दो तरीके हैं इसके, कोई भी एक वेरिएबल ले लो, उसको सिंपली ये कर्ली ब्रेसेस दे दो, ठीक है, तो ये एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करता है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे प्रिंट करके, टाइप इसका, टाइप ऑफ ए, कंट्रोल एस किया, रन किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने टाइप जो मुझे दिया है वो डिक्ट टाइप दिया, मतलब ये डिक्शनरी टाइप का है। ठीक है, दूसरा तरीका हम इसका कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हैं, मैं इस पर ले लेता हूँ बी इज इक्वल टू डिक्ट, हमें सीधा डिक्ट लिखना है। ठीक है, और फिर इसका अगर डेटा टाइप मैं आपको दिखाऊं, प्रिंट टाइप ऑफ बी, तो ये भी डिक्ट आना चाहिए, कंट्रोल एस राइट क्लिक करके रन करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने डिक्ट दे दिया, तो हम इस तरीके से एम्प्टी डिक्शनरी भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार रिकैप देखते हैं, क्या करना है, सबसे पहले अगर हमें डिक्शनरी डिफाइन करनी है तो कर्ली ब्रेसेस लगाने होंगे, और उसके अंदर जो भी एक एलिमेंट होगा वो एक एलिमेंट तभी पूरा होगा जब उसके अंदर की और वैल्यू है। ठीक है, की और वैल्यू सेपरेटेड बाय दिस कॉलम। ठीक है, अगर उनके एलिमेंट एक्सेस करने हैं तो क्या करेंगे, हम पहले लिखेंगे उस डिक्शनरी का नाम, फिर लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट और उसके अंदर की लिख देंगे उसकी, तो जो भी हम की देंगे, मतलब जैसे मैंने यहाँ 1 दिया था तो इसने सचिन लिख के, सचिन प्रिंट करके मेरे को दे दिया था वापस, तो जब भी हमें ये वैल्यू चाहिए हम उसकी की से लेंगे, इसमें इंडेक्सिंग नहीं होती है। ठीक है, इसलिए हम की का यूज करते हैं उसकी वैल्यू एक्सेस करने के लिए। ठीक है, फिर हमने देखा कि अगर हमें उसमें देखने कितने एलिमेंट हैं,
तो हम लेंथ यूज कर सकते हैं, कितनी कीज हैं, कितनी वैल्यूज हैं, वो हमें लेंथ से पता चल जाएगा। मतलब जितनी की होंगी, जितनी उसकी लेंथ होगी उतनी ही की होंगी और उतनी ही वैल्यूज होंगी। ऑलराइट, ठीक है। उसके बाद हम डायरेक्टली इस तरीके से एक्सेस कर रहे थे। इसके अलावा हम गेट फंक्शन का यूज़ करके भी वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। उसमें हमें केवल कीज देनी होती है, या हमने की दी थी, ठीक है। देन अगर हमें अपडेट करनी है कोई भी वैल्यू, ठीक है, तो हम डायरेक्टली असाइन करके भी वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं इस तरीके से कि भाई वन के अंदर अब मुझे पाइथन चाहिए तो वो पाइथन अपडेट कर देगा, ठीक है। अगर इस तरीके से नहीं करना है यूज़, तो आप अपडेट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं सिंपली। उसके अंदर आप क्या करेंगे, डिक्शनरी लिखिए, डिक्शनरी में जो की अपडेट करनी है वो, और जो वैल्यू उसको न्यूली अपडेटेड वैल्यू देनी है वो लिखिए, ठीक है। देन हमारे कोई नया आइटम ऐड करना हो तो सिंपली अपन इस तरीके से लिख देंगे उसको कि जो भी न्यू वैल्यू ऐड करनी हो जो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती है उसके अंदर, तो आप उसकी की लिखिए और फिर जो वैल्यू आप उसको असाइन करवाना चाहते हैं तो वो वैल्यू लिखिए, ठीक है। तो वैल्यू अपनी अपडेट हो जाएगी। इसके अलावा सेम हम अपडेट फंक्शन का यूज़ करके भी ऐसा कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि हम एलिमेंट रिमूव कैसे कर सकते हैं। तो हमने पॉप देखा। पॉप क्या करता है, आप जो उसको की देंगे उस एलिमेंट को पूरा निकाल देगा वहाँ से, डिक्शनरी से बाहर कर देगा। देन पॉप आइटम देखा। पॉप आइटम में क्या होता है, जो लेटेस्ट और लास्ट एंट्री होती है डिक्शनरी के अंदर उसको रिमूव कर देता है। डेल कीवर्ड भी सेम काम करता है आपका, अगर आप उसको की देंगे तो उस एलिमेंट को रिमूव कर देगा। अगर आप पूरा नेम दे देंगे डिक्शनरी का तो पूरी डिक्शनरी ही डिलीट कर देगा। देन हमने क्लियर देखा। क्लियर क्या करता है, जितने भी एलिमेंट हैं उस डिक्शनरी से बाहर कर देता है और आपको एक एम्प्टी डिक्शनरी रिटर्न करके देता है, ठीक है। और फिर हमने देखा कि एक कंस्ट्रक्टर एम्प्टी डिक्शनरी कैसे बनानी है, या तो आप कर्ली ब्रेसेस यूज़ कर लीजिए डायरेक्टली, और या फिर एक डिक्ट कंस्ट्रक्टर यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा डिक्शनरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आगे आने वाले वीडियोस में और जो हम प्रोग्राम सीखेंगे कैसे बनाने हैं वहाँ पे ये बहुत यूज होगा, तो आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करिए। लिस्ट और डिक्शनरी एक तरीके से मान लीजिए पाइथन की जान है और ये आपको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट को एक्सेस करिए और सारी वीडियोज़ देखिए, समझिए इनको, ठीक है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।